हैं, आपको जानकारी दी थी। जयपुर विकास प्राधिकरण की 3 प्रोजेक्ट्स जनता को समर्पित किए गए हैं। करीब 239 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण से राजधानी जयपुर की बड़ी आबादी की राह आसान होगी। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के जिन 3 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया है, उनका निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण ने किया है। इनमें से झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट का लोकार्पण उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। इसी समारोह में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने B2 बाईपास चौराहे पर नव निर्मित अंडरपास और जवाहर सर्कल के ट्रैफिक सिग्नल प्रोजेक्ट और सौंदर्य कार्य का लोकार्पण किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, आज जो काम पूरा हुआ है इसका श्रेय सांसद रामचरण बोहरा को जाता है। डबल इंजन की सरकार में जनता के काम होते हैं। डबल इंजन की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार इसलिए है कि यहाँ पर जनता की सुनवाई भी होती है और जनता के काम भी होते हैं और तय समय पर होते हैं। तय समय पर, अभी हमारी सरकार की केवल 2 महीने हुए, लेकिन आपने देखा जिस गति से काम हो रहा है, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, 2% जो हमारे वैट में कमी की हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल, उसके लिए हम इतना अपना धन्यवाद देंगे, उतना कम होगा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पिछली कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार में केवल झूठे वादे किए गए। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी जी को 3री बार प्रधानमंत्री बनाना है। उन्होंने अब की बार 400 पार का नारा भी लगवाया। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार काम तो कर ही नहीं सकती। उन्होंने बहुत सारे आपको झूठे वादे किए, झूठी घोषणाएं दी, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। किसी भी विधानसभा में काम हुए, हाँ मैंने अभी देखा मेरा विभाग PWD, वहाँ पर उन्होंने बहुत घोषणाएं की थी कि ये रोड हो जाएगी, ये रोड हो जाएगी, ना तो उसका आर्थिक प्रबंधन किया, ना उस काम को अच्छी तरह से जो क्रियान्वित होनी चाहिए कि काम जल्द से जल्द पूरा हो, उसमें कुछ भी नहीं इन्होंने। हमारी सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 करोड़ की सड़कें सैंक्शन भी कर दी, बहुत जल्दी उसका काम भी शुरू होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए यूडीएच मंत्री झाबर सिंह कर्रा ने कहा, लंबे समय की मांग इस झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के तौर पर पूरी हुई। प्रदेश की वित्त मंत्री दिया कुमारी है, लक्ष्मी के हाथ से धन का प्रबंधन कर रही है, जबकि पिछले 5 साल भी राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ गया था। झोटवाड़ा के जिस राव शेखा सेतु का लोकार्पण हुआ है, 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान इसका शिलान्यास हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आने के बाद वो पूर्ण रूप से निर्मित हुआ है और आज आम जनता के आवागमन के लिए उसका लोकार्पण किया गया है। यहाँ के वासिंदों की जैसे जैसे शहर का विस्तार हुआ, आबादी बढ़ती गई, यातायात का दबाव बढ़ा, लोगों की लंबे समय से मांग थी, वो मांग आज इस राव शेखा सेतु के लोकार्पण से पूर्ण हुई है। इस अवसर पर सांसद रामचरण बोहरा ने कहा, जयपुर की जनता को कई सौगातें मिली है। जयपुर लोकसभा क्षेत्र में 35,000 करोड़ के काम हुए। स्मार्ट सिटी योजना भी शहर में 2,500 करोड़ के काम हुए हैं। जब से दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बनी है, तब से शहर में खूब विकास हुआ। विकास की गति निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और 140 करोड़ के प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में हम सब एकजुट होकर काम करेंगे। झोटवाड़ा एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट अपने आप में इसलिए अलग है क्योंकि इस प्रोजेक्ट की राह में 642 मकान, दुकान और अन्य निर्माण थे। इसके बावजूद बिना विवाद किए आपसी समझाइश से प्रभावित लोगों का पुनर्वास किया गया। हालांकि GD के तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता के चलते पुनर्वास के काम में देरी जरूर हुई थी। अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।